अर्चना चंद्रा ने लिखा है कि अगर रिसाइकल थॉट किसी अपने से रिलेटेड हो, ऐसा अपना जिसने सुसाइड कर लिया हो उससे कैसे बचें। इससे देखिए अर्चना, ऐसे ही बचेंगे कि पहले तो उस घटनाक्रम को एक्सेप्ट कर लेंगे। अच्छा था, बुरा था, क्या था, उसकी बहुत एनालिसिस में नहीं जाएंगे। उसको करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, अब तो कर ही लिया, घटना हो गई, जो पीड़ा होनी थी हो गई, अब जीवन को आगे ले जाना है। रिसाइकल थॉट आएंगे, लव्ड वन अगर जाएगा ऐसे सुसाइड में तो धक्का लगता है, उसकी पीड़ा होती है, लेकिन उसके बारे में सोचते ही चले जाने का कोई औचित्य नहीं है, कोई सार्थकता नहीं है। तो ये अपने मन को एक कमांड देकर, एक आदेश देकर हम रोक सकते हैं। नहीं तो हम रोज़, अब मान लीजिए आपने वो तस्वीर, वो दृश्य देख लिया है, तो रोज़ वही दृश्य उभर के आता है, बैठे हैं आँखों के सामने वही चीज़ें, वही बातें। तो ये जो रिसाइकलिंग है, ये हम उसको गति दे रहे हैं। तो इसके लिए तरीका है कि तो मेडिटेटिव वे ये हो सकता है कि कुछ दिन ध्यानपूर्वक बैठे मेडिटेटिवली, आधा घंटा, एक घंटा, और जितने भी विचार हम सोचना चाहते हैं, अच्छे बुरे, सबको अपनी आँखों के सामने देख लें और उनको विसर्जित कर दें, उनको उसी समय तिलांजलि दे दें। अभी क्या है, हम उनसे बचना भी चाहते हैं, उनको सोचना भी चाहते हैं, तो वो आधे अधूरे इधर उधर टकराते रहते हैं। जो बुरा हुआ था उसका दुख महसूस नहीं हुआ तो उसको महसूस कर लें, और पूरे विचारों के पूरे पैटर्न को अपनी आँखों के सामने एक बार जब देख लेंगे मेडिटेटिवली, पूरी अवेयरनेस से, तो वो साइकिल ड्रॉप हो जाएगा। हमारे थॉट में साइकिल पूरा होना चाहिए और इस यथार्थ को स्वीकार कर लेना चाहिए कि घटना हो चुकी है, जा चुकी है, और अभी वर्तमान का जीवन महत्वपूर्ण है। जो लोग सामने हैं तुम्हारे, उनके साथ सुंदरता से जीना वो आवश्यक है, जो नहीं रहा वो अब नहीं रहा, इसको स्वीकार कर लें। उसके विचारों से प्रभावित होकर वर्तमान के संबंधों को हमें खराब नहीं करना है। ये हम अपने को प्रोग्राम देंगे तो आ जाएगा। बाकी मेडिटेटिवली बैठकर एक बार सोच डालें सब। ये सलाह बहुत मनोवैज्ञानिक है, मैं अक्सर देता हूँ। कुछ लोगों को किसी चीज़ से भय लगता है तो मैं कहता हूँ एक बार भय की पूरी चीज़ आप सोच डालिए, जितनी आप सोच सकते हैं, और वो भी मेडिटेटिवली, आँख बंद करके पूरे ध्यान में बैठिए। पहले अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करिए, जाइए मेडिटेटिव होइए, रिलैक्स होइए, और फिर सोचिए कहाँ तक चीज जाती है। उसके बाद वो विचार एग्जास्ट हो जाएगा, फिर वो बार बार हॉन्ट नहीं करेगा। जिन विचारों को हम आधा पकड़ते हैं, आधा छोड़ते हैं, वो बार बार हमारे पीछे पीछे लगे रहते हैं। एक बार उनका आमना सामना कर लेते हैं, बस वो एग्जास्ट होके वहीं ड्रॉप हो जाता है।